किलोवाट पर डीआर क्या होता है? मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में एचवीएसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस प्रायोरिटी भी होता है, लगभग लगभग फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि किलोवाट पर डीआर होता क्या है, क्योंकि इसी से आप किसी भी चिलर की परफॉर्मेंस फाइंड आउट कर सकते हो। उसको बेसिकली कॉप भी बोल सकते हैं, सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं किलोवाट पर डीआर। ये ही डिसाइड करता है कि किसी चिलर की एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस कैसी है। जितनी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू कम होगी, लेस होगी, उतनी चिलर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो आज हम ये फाइंड आउट करेंगे कि पहले तो कोप होता क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई के डब्ल्यू पर टी आर या फिर बोलो कोप, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है? रेशियो होता है इनपुट किलोवाट और प्रोड्यूस कूलिंग किलोवाट का, इन दोनों का रेशियो होता है। अब इनपुट किलोवाट क्या है और प्रोड्यूस कूलिंग किलोवाट क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी, फॉर एग्जांपल, हमारे पास 720 टीआर का कोई चिलर है, 720 टीआर के चिलर को रन करने के लिए कितने लोड की रिक्वायरमेंट है, कितने किलोवाट लोड की रिक्वायरमेंट है, वो हमारा इनपुट किलोवाट होता है। उसको आप डिमांड करंट भी बोल सकते हैं, डिमांड लोड भी बोल सकते हैं, इनपुट करंट भी बोल सकते हैं। प्रोड्यूस कूलिंग किलोवाट कितना है? जितने टीआर का, जितनी कैपेसिटी का आपका चिलर है, जितनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूस कूलिंग किलोवाट। तो हमने एग्जांपल ले लेते हैं, 720 टीआर का हमारा चिलर है, इसका इनपुट किलोवाट कितना है? 800 एम्पीयर है, या 800 एम्पीयर का लगभग 480 किलोवाट आ जाएगा। तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? ये जो रेशियो है, ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रखेंगे। इनपुट किलोवाट कितना है? 480 किलोवाट डिवाइड बाई प्रोड्यूस कूलिंग किलोवाट कितना है? 720। सात सौ अस्सी को 720 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की या किलोवाट पर टीआर की। लेकिन मैथमेटिकल रूल के हिसाब से किसी चीज़ को हम डिवाइड तब कर सकते हैं जब दोनों की यूनिट सेम हो। अब एक की यूनिट किलोवाट में है, दूसरे की यूनिट टीआर में, तो हमें या तो टीआर को किलोवाट में बनाना पड़ेगा या किलोवाट को टीआर में बनाना पड़ेगा। और इस केस में स्पेसिफिकली हमने निकालना क्या है? किलोवाट पर टीआर निकालना है। तो अंडरस्टूड है कि हमें टीआर को ही किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब हमें करना क्या है? 720 टीआर को बनाना है किलोवाट में, कि इसके कितने किलोवाट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 720 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12000 से। ये मैंने 12000 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो भी मैं बता देता हूं। एक टीआर आपका 12000 बीटीयू के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने 720 टीआर को 12000 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वीडियो आ जाएंगे 720 टीआर के। इसकी लगभग वैल्यू आएगी 4680। ये हमारे पास वीडियो आ गया। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए किलोवाट। इसमें किलोवाट कितने होंगे? तो वीडियो से अब हम किलोवाट बनाएंगे। बीटीयू से किलोवाट बनाएंगे तो मैं, हमारे पास बीटीयू कितने हैं? 864 4 × 0 डिवाइड 3413 कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 3413 से इसको डिवाइड क्यों किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका एक किलोवाट में 3413 BTU होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 3413 BTU किसके बराबर होता है? एक किलोवाट के, ठीक है।
तो मैंने 3413 से इस रेटियो को डिवाइड कर लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये मैथमेटिकली मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको इसको डिवाइड कैसे किया। अब हमें निकालना, अब 3413 BTU एक किलोवाट के बराबर है, एक BTU कितने के बराबर होगा, कम के लिए डिवाइड, तो 1/3413, और हमें बनाना कितने BTU का है, इतने BTU का, ज़्यादा ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो 13 हमें कितने का लेना है, 86400, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2530 या 32 के आसपास। ये आ गया हमारा किलोवाट में, ये BTU से किलोवाट की कैलकुलेशन, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो जब हमने ये डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आ गई 2532 किलोवाट, ठीक है। 720 TR कितने किलोवाट के बराबर हो गया, 2532 किलोवाट के। अब हम, हमारे पास दोनों वैल्यू सेम यूनिट में है, 480 किलोवाट और 2532 किलोवाट, डिवाइड कर देते हैं, इनकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, 480 डिवाइड बाई 2532, इसकी लगभग वैल्यू आएगी 0.183। ये मैंने सारी इमेजिनरी वैल्यूज लिया, आपको सारी रियल वैल्यूज लेनी है। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या आ गया, 0.183, 720 TR के चिल्लर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना है, 0.183। जितना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होगा उतनी चिल्लर की एफिशिएंसी अच्छी होगी, जैसा मैंने बताया। इसका मतलब क्या है कि 1 TR कूलिंग को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो जितनी कम होगी उतना अच्छा है, उतना ही चिलर की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या किलोवाट पर TR से ये जज कर सकते हैं कि किस चिलर की परफॉर्मेंस अच्छी है और किसकी उसके कंपैरिजन में कम है।